हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल AM फिटनेस ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज जो मैं वर्कआउट करूँगा, ये पूरे हफ्ते जो मैं वर्कआउट करूँगा, तो ये सेम ही पैटर्न आपका पूरे महीने चलेगा। सेम सेट, सेम रैप्स, सेम एक्सरसाइज, राइट? तो ये पूरे हफ्ते मैं ब्लॉग डालने की कोशिश करूँगा। और आज है हमारा चेस्ट और ट्राइसेप्स, जिसमें कि सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी रहेगी इंक्लाइंड डंबल प्रेस, राइट? इसके हम टोटल 10 सेट लेंगे, एक वेट चूज करेंगे, राइट? और उसी वेट से हम टोटल 10 सेट्स निकालेंगे और हर सेट में 10 रेप्स लेंगे। सपोज दैट आप 100 केजी से प्रेस करते हैं, राइट? तो उसका सिर्फ 40 से 45% का वेट आप उठाइए और उससे 10 सेट आप निकालिए टोटल, और हर सेट के बीच में आप 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। मैक्सिमम आप 90 सेकंड का ब्रेक लीजिए, इससे ज़्यादा मत करिएगा। रेस्ट पीरियड जो रहेगा वो 60 सेकंड से लेकर 90 सेकंड्स का रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा किसी भी एक्सरसाइज में और किसी भी सेट के बीच में, राइट? तो पहली एक्सरसाइज है हमारी इंक्लाइंड डंबल प्रेस, राइट? तो चलिए पहले इंक्लाइंड डंबल प्रेस करते हैं, देखिए, और उसके बाद मैं नेक्स्ट वर्कआउट को बता। गाइस, देखा आपने इंक्लाइंड डंबल प्रेस आपको किस तरीके से करनी है, कितना नीचे लाना है आप अपने हाथों को और कितना ऊपर लेके जाना है, राइट? कोशिश करिएगा कि सेम पैटर्न में आप भी इसको फॉलो करें। और दूसरी जो एक्सरसाइज रहेगी हमारी, वो रहेगी फ्लैट डंबल प्रेस, राइट? इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 4 सेट लेंगे और कोशिश करेंगे इसमें 6 से 10 रेप लेने की, यानी कि हमें इसमें हैवी जाना है, राइट? लेकिन इसमें भी रेस्ट टाइम हमारा सेम रहेगा, 60 to 90 seconds, मैक्सिमम 90 सेकंड्स, मिनिमम 60 सेकंड्स, राइट? तो आप कोशिश करें इस चीज़ को फॉलो करने की। मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें आपको जो फील आएगा मसल्स पर, बशर्ते ये कि आप फुल कॉन्ट्रैक्शन के साथ में एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, राइट? ऐसा नहीं कि अंधाधुंध वेट उठाया और मार दिया, गेर दिया, दैट्स इट, ऐसा नहीं। मसल को फील करिए और सेट को परफॉर्म करिए। रेस्ट टाइम उतना ही लीजिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको ज़रूर, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे, ठीक है? तो चलिए पहले आप इस सेट को देखिए कैसे इसे परफॉर्म करना है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वर्कआउट के बारे में बता। गाइज, आपने देखा किस तरीके से हमें फ्लैट डंबल प्रेस करना था, राइट?
अब हमारी जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो है हमारा केबल क्रॉसओवर, जो कि हमारे लोअर चेस्ट के लिए है। आप देखेंगे मैं किस तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ। इसमें हमें 5 सेट लेने हैं और पांचों में कोशिश करना है हमें 20 रेप्स, कोशिश नहीं करना बल्कि 20 रेप्स निकालने ही निकालने हैं, राइट। तो आप एक वेट चूज़ करिएगा कोई भी जो आपको लगता है कि आप 20 रेप्स जो हैं वो निकाल पाएँ आखिरी सेट तक जाते जाते, ठीक है। तो उस वेट को आप चूज़ करिएगा, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा वेट ले लें और फिर आपसे वो रेपिटेशंस ना लगें, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से वेट को चूज़ करिएगा। वैसे आपको कोई भी ये नहीं बता सकता कि आपको किस हिसाब से वेट चूज़ करना, राइट। आपको खुद समझना पड़ेगा कि आपको किस हिसाब से वेट चूज़ करना है, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज को देखिए किस तरीके से परफॉर्म करना है। 5 सेट लेने हैं 20 रेप्स के साथ विद 1 मिनट रेस्ट बिटवीन दिस सेट्स, राइट। तो चलिए वर्कआउट। तो गाइज अब अपनी नेक्स्ट वर्कआउट है पैक डेक फ्लाई। इसमें सिर्फ हमें 2 सेट परफॉर्म करने हैं, लेकिन इसमें जो हम सेट लेंगे वो इस तरीके से लेंगे। पहले करेंगे हम 30 रेप्स, फिर करेंगे हम 20 रेप्स, फिर करेंगे हम 10 रेप्स, राइट। ये हमारा पूरा एक सेट हुआ। तो 30 रेप्स जो लेंगे वो एक वेट चूज़ करिएगा जिससे आप 30 रेप्स निकाल पाएँ, मतलब फेलियर हो जाए आपका 30 रेप्स पे, राइट। उसके बाद आप वेट बढ़ाएंगे, उसके बाद आप 20 रेप्स लेंगे, राइट। उस 20 रेप्स पे भी आप फेलियर होने चाहिए, राइट। उसके बाद आप वेट बढ़ाएंगे, फिर आप 10 रेप्स लेंगे, तो वो 10 रेप्स भी आपके ऐसे होने चाहिए कि आप बिल्कुल फेल हो गए। फेल मीन्स फेल, उसके आगे आप एक रेप मारने लायक भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल आपका एक सेट हुआ। इसके बाद में आप 1 मिनट का रेस्ट लेंगे, फिर आप जो करेंगे वापस शुरू करेंगे किस तरीके से, जहां आपने 10 रेप्स लिए हैं जिस वेट के साथ में, वहीं आप शुरू करेंगे 10 रेप्स, फिर जहां आपने 20 रेप्स लिए थे जिस वेट के साथ में उस वेट पे आप लगाएंगे, फिर करेंगे आप 20 रेप्स, जहाँ आपने 30 रेप्स लिए थे जिस वेट के साथ में उससे आप परफॉर्म करेंगे 30 रेप्स। यानी कि पहला सेट हुआ हमारा 30 20 10, और दूसरा सेट हुआ हमारा 10 20 30, राइट, ठीक है गाइस। तो चलिए फिर आप वर्कआउट देखिए किस तरीके से करना है। मैं आपको एक सेट करके दिखाऊंगा जिसमें कि मैं 30 20 10 रेप्स कर रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने दूसरा सेट कवर नहीं करा वीडियो में, लेकिन आपको करना है वो एक्सरसाइज, राइट। तो चलिए वर्कआउट की तरफ चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से।
तो गाइज अपनी चेस्ट की वर्कआउट ख़त्म हो चुकी है, अब हम करेंगे ट्राइसेप्स की वर्कआउट। ठीक है, तो ट्राइसेप्स में सबसे पहले हमें करना है ओवरहेड। ओवरहेड करेंगे हम डंबल के साथ में बोथ हैंड। ठीक है, इसमें आप एक वेट चूज़ कर लिए। ठीक है, एक वेट कोई भी चूज़ करिए अपने हिसाब से। ठीक, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया है चेस्ट में, जैसे कि हमने 10 रेप्स लिए थे इंक्लाइन में, राइट, तो मैंने आपको बताया था कि आप मान लीजिए 100 kg से आप डंबल प्रेस कर रहे हैं, राइट, उससे आप 10 रेप्स निकालते हैं, वो आपका मैक्सिमम है 10 रेप्स निकालने का। ठीक है, तो उसका आप 40-45% पे आएंगे। ठीक, उससे आप करेंगे 10 रेप्स 10 बार, राइट। तो इसी तरीके से आपको इसमें भी जो ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है ओवरहेड, ठीक है, उसमें भी आपको इसी तरीके से करना है। जो आपका मैक्सिमम जिससे आप 10 रेप्स निकालते हैं उसका 40% या 45% वेट आपको उठाना है, उससे 5 सेट निकालने हैं और हर सेट में आपको 15 रेप्स हिट करना है। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं क्लियर कर रहा हूँ ये चीज़ कि आपको किस तरीके से वर्कआउट क्लियर करनी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब हर तरीके से आपको बता सकूँ कि किस तरीके से आपको वर्कआउट जो है वो परफॉर्म करनी है और कितना वेट उठाना है। बाकी कैलकुलेट आपको खुद करना पड़ेगा कि आप कितना वेट उठाते हैं और उसी हिसाब से आपको 40-45% का वेट आपको उठाना है। ठीक है, तो चलिए आप देखिए एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वर्कआउट बता। तो देखा आपने किस तरीके से मैंने ये वर्कआउट परफॉर्म करी है। अब हम करेंगे किकबैक ट्राइसेप्स के लिए। ठीक है, इसमें सिर्फ हम 3 सेट लेंगे और तीनों में हम जो है वेट को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और वेट इंक्रीज करने के साथ साथ हमें हर सेट में 15 रैप हिट करने हैं, मतलब कि एक हाथ से 15 और दूसरे हाथ से 15, राइट। तो टोटल हमारे 3 सेट हुए, 15 15 रेप्स निकालने हैं बोथ हैंड से। ठीक है, और हर सेट में हमें वेट इंक्रीज करना है। ठीक, पहले आप कोशिश करिएगा कि लाइट वेट से करें, फिर उसके बाद में आप थोड़ा सा हेवियर जाएं, फिर अपने हिसाब से कितना मैक्सिमम वेट आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेप्स में आप मतलब कमी नहीं रखिएगा, राइट। रेप्स बिल्कुल सेम होने चाहिए, चाहे आप लाइट वेट से कर रहे हों फिर जाए आप हैवियर पे जब जाते हैं लास्ट सेट पे। ठीक है, लेकिन हर सेट में आपको वेट बढ़ाना ही बढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए आप एक्सरसाइज देखिए और फिर आगे की एक्सरसाइज में आपको एक्सप्लेन। इसके बाद जो गाइस अपनी एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है, ये है अपनी रोप केबल पुश डाउन। केबल पुश डाउन करेंगे हम रोप के साथ में। इसमें हमें जो सेट निकालने हैं वो निकालने हैं 10 10 रैप्स के। 10 10 रैप्स के हम 5 सेट निकालेंगे, लेकिन ये पॉज रैप्स होंगे। ठीक, हर रैप में आप पॉज लेंगे नीचे जाते समय, जब आप नीचे जा रहे हैं, राइट, नीचे जा रहे हैं तो उसमें आप पॉज लेंगे, अपने ट्राइसेप्स को पूरा स्ट्रेच करेंगे। ठीक, पूरा फील करेंगे वहाँ पर जिस पोर्शन के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने ट्राइसेप्स को पूरा फील करेंगे। ठीक है,
और सिर्फ 10 रेप निकालने हैं और 5 सेट लेने हैं, ठीक है? तो चलिए आप वर्कआउट देखिए, और हर सेट में हाँ ये ध्यान रखिएगा, चाहे वो ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है, चाहे वो चेस्ट की एक्सरसाइज है, किसी में भी आपको 1 से 1.5 मिनट से ऊपर रेस्ट नहीं लेना है। मानता हूँ एक्सरसाइज बहुत टिपिकल है, लेकिन आप कोशिश करिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं। जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा एथलीट नहीं हूँ, मैं भी एक वॉकिंग पर्सन हूँ, तो जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, राइट? तो आप इस मोटिवेशन से आप रहेंगे कि मैं कर सकता हूँ। हाँ, ये मानता हूँ कि आप वेट हर एक कोई अपने अपने हिसाब से उठाएगा, चाहे मैं मानता हूँ कि मैं कम उठा रहा हूँ, आप ज़्यादा उठा सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उठाइएगा, तो आप भी कर सकते हैं और मैंने भी किया है, राइट? तो इस मोटिवेशन से आप जिम जाइए, उसी हिसाब से आप वर्कआउट करिए, ठीक है? तो चलिए सेट की तरफ चलते हैं, आप वो देखिए सेट कैसे परफॉर्म करना है। और हाँ, इसके बाद में हम कार्डियो करेंगे, ठीक? कार्डियो करेंगे हम 30 मिनट्स का, ठीक? तो फाइनली अपना वर्कआउट यहाँ पर ख़त्म होता है, राइट? चेस्ट और ट्राइसेप्स का वर्कआउट ख़त्म होता है। और गाइज, मेक श्योर कि आप जब भी वर्कआउट करें, मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ ये चीज़ बताने की कि कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, उससे पहले आप पूरी बॉडी बॉडी को जो है वार्म अप कर लें। वार्म अप के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, राइट? जंपिंग कर सकते हैं हल्की फुल्की, थोड़ा सा पुशअप्स वगैरह, चिन अप्स हल्की फुल्की, ये सब आप चीज़ें कर सकते हैं, राइट? ताकि आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी खुल जाए, राइट? क्योंकि आप कोई भी वेट उठाते हैं तो उससे आपकी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं उस टाइम पर, कि अगर आप मान लीजिए कि आप स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, ठीक है, स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हैं, आपने वार्म अप नहीं किया है, बॉडी गर्म नहीं है, ब्लड फ्लो सर्कुलेशन नहीं बना हुआ, और आप एकदम से जा करके वेट जो है वो उठाने की कोशिश करते हैं या हिट करते हैं वेट को, तो उससे आपके इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट? लेकिन अगर आप वार्म अप कर लेते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है पूरी बॉडी के अंदर, बॉडी गर्म रहती है, तो आपके इंजरी के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं, बशर्ते कि आप एक्सरसाइज सही तरीके से परफॉर्म करें, ठीक है गाइज? तो गाइज, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है वीडियो में हर एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करने की, कि आपको किस तरीके से इसे परफॉर्म करना है, राइट? कितना रेस्ट टाइम लेना है, कितने सेट लेने हैं, कितने रेप्स लेने हैं, ठीक? गाइज, मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आए इंस्टाग्राम पे, वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, तो क्या मैं खुद जो है वो कर रहा हूँ वर्कआउट या नहीं कर रहा हूँ? गाइज, मैं आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है। मैं रेगुलर वर्कआउट तो कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं वीडियोस जो है वो नहीं बना पा रहा हूँ, या कह लीजिए कि मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे को कि मैं एडिट करके उसको अपलोड करूँ। ये वीडियो सिर्फ ये चैनल मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है, ये इसलिए क्रिएट किया है कि मेरे जैसे जो वर्किंग पर्सन्स हैं, जो कि अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बिजी हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, राइट? उनके पास में इतना मतलब वो लोग ये सोचते हैं कि उनके पास में टाइम नहीं है, तो उनको सिर्फ मोटिवेशन के लिए मैंने ये जो है व्लॉग क्रिएट करना शुरू किया है। तो उनको सिर्फ मैं ये मोटिवेट करना चाहता हूँ कि मतलब इतना समय हर कोई निकाल सकता है वर्कआउट के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप मुझे ही फॉलो करिए, आप ज़रूरी नहीं है कि इसी वर्कआउट को आप फॉलो करिए, आप किसी भी तरीके की वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप 10 मिनट की वर्कआउट करिए, चाहे आप 10 मिनट रनिंग कर लीजिए, ठीक है, किसी भी तरीके की वर्कआउट करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो योगा करिए, आप रनिंग करिए, किसी भी तरीके की वर्कआउट करिए, लेकिन मेरा सिर्फ ये आपको एक मैसेज देने का ये चैनल मैंने सिर्फ इसलिए क्रिएट करा कि आप लोगों को एक मोटिवेशन दूँ, एक मैसेज दूँ कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, राइट?
चाहे आप किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, मानता हूँ कि समय नहीं मिलता है, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, चाहे वो 20 मिनट निकालिए, आधा घंटा निकालिए, लेकिन निकालिए। वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी फैमिली के लिए भी फ़ायदेमंद है, राइट? क्योंकि आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपनी फैमिली को भी यू नो कि अच्छे से आप अपना टाइम दे पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे से आप काम कर पाएंगे, 100% आप अपने काम पे भी दे पाएंगे, राइट? तो गाइस, बस यही मैं कहना चाह रहा था आप लोगों से। और अगर मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि गाइस मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। मेरे को थोड़ा सा ऑफिस का काम भी देखना पड़ता है और थोड़ा सा फैमिली का काम भी रहता है, और फिर मैं थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ वर्कआउट के लिए, और जो बाकी टाइम बचता है यार सो लेता हूँ, ठीक है? तो गाइस उसके लिए आई एम सॉरी अगर मैं रेगुलर अपडेट्स नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन मैं इस हफ्ते पूरी कोशिश करूँगा कि रेगुलर वर्कआउट्स डालूँ। और ये जो वर्कआउट रहेंगी, जो जैसे कि मैंने आज आपको डाला मंडे, यही सेम पैटर्न फॉलो करना है आपको अगले, मतलब कुछ हफ्ते, तो कुछ हफ्ते नहीं कह सकते, ये पूरे महीने ही आपको, जब तक कि ये आप मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है राइट 90 डेज़ की, तो ये पूरे महीने आपको सेम ही पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है गाइस? तो आज जो मैंने वर्कआउट करी है वो नेक्स्ट मंडे भी वही होगी, उससे नेक्स्ट मंडे भी वही होगी, और उससे नेक्स्ट मंडे भी वही होगी। तो ये पूरे हफ्ते जो मैं ब्लॉग डालूंगा वही सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है, इस हफ्ते भी, अगले हफ्ते भी, उसके अगले हफ्ते भी, और उसके अगले हफ्ते भी, ठीक है गाइस? तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।